तो सबसे पहले ये आर्टिकल है, बोनस आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 22G255, व्हाइट स्काई कलर का है, 1699 इसकी MRP है। जनरल कोई भी जूता हो कैंपस का 20-25-15% डिस्काउंट आपको हंसते हंसते रिटेल्स पे मिल जाएगा। सबसे पहले इसके बॉक्स की क्वालिटी बता देते हैं। इस टाइप के बॉक्स में जूता आता था इनका, लेकिन अब जो आर्टिकल आ रहे हैं वो इस कलर के बॉक्स में आ रहा है। एक कैरी बैग आपको मिल जाएगा इसमें। सबसे पहले जूते का आप लुक देखिए, ये लुक दिया गया है, वाइट स्काई कलर का है, फाइलोन सोल पे है, इसके बैक साइड में बैक सोल पे एयर कैप्सूल का यूज किया गया है, तो लुक वाइज बहुत ही प्यारा दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसके क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले सोल की बात करते हैं, सोल की क्वालिटी बहुत ही उमदा दिया गया है, फाइलोन सोल पे बनाया गया है। इसमें जो देखिए ईवा का मटेरियल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, और इसमें जो टीपीआर लगाया गया है, टीपीआर की जो कटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, जिसके वजह से इसमें ग्रिपिंग जो बनेगा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। बैक साइड में इसमें देखिए एयर कैप्सूल का यूज किया गया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है ये देखिए एयर कैप्सूल प्रो, मतलब पीछे पहले जैसे एयर कैप्सूल आते थे वो काफ़ी फ्लैट होते थे, लेकिन ये इसका कर्व डिज़ाइन में बनाया गया है और काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, तो प्रो नाम दिया है, यानी थोड़ा सा तो अपग्रेड होगा ही। ये इसमें इनसोल देखिए, इनसोल की क्वालिटी इसमें दिया गया है मेमोरी टेक लाइट, और जैसा मेमोरी फोम होता है बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं है, लेकिन कैंपस के जूतों में उन्होंने मेमोरी फोम वाला इंसोल दिया है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनर स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसके अपर मटेरियल की बात करते हैं, अपर मेस की, छूने से काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा है, और अंदर से देखते हैं ठीक है, ब्रीदेबल वगैरह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके डिजाइनिंग का पार्ट देखिए, ये अलग से पार्ट दिया गया है, ये पूरा मेस मतलब रेक्सिन का बनाया गया है, यहाँ से कैंपस की ब्रांडिंग है, ये देखिए दोनों साइड पे है, बैक साइड में पूरा एक पैच लगाया गया है रेक्सिन का, साथ में एक ये पैच लगाया गया है, जिसके वजह से जूते पहनने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। जहाँ रिबन टाइट होता है, यहाँ पे देखिए रिबन के एरिया में पूरा रेक्सिन का पैच लगाया गया है, जिसके वजह से रेडियल जो होगा ये काफ़ी फटेगा नहीं, ना ही फैलेगा। इसके टंग में फोम बहुत ही कम दिया गया है, तो थोड़ा ये निगेटिव पॉइंट हो सकता है, बैक साइड में इसके फोम वगैरह सही दिया गया है, बट टंग में थोड़ा सा फोम मुझे कम लग रहा है। इसका वेट करके चलिए देखते हैं हम लोग, वेट कितना आ रहा है, 315 ग्राम इस जूते का वेट आ रहा है, सॉरी इसको भी डाल देते हैं, 330 ग्राम वेट के हिसाब से ठीक है, बहुत लाइट वेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि 330 ग्राम का लगभग जूता जो होता है वो एयर कैप्सूल वाले जो आते हैं, एयर पूरा मैक्स जिसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है इनका ब्रेस 22G998, व्हाइट और ब्लू कलर का है, 1599, उससे 100 रुपये कम है, और क्वालिटी वाइज आप पहले लुक देखिए इस जूते का और इस जूते का, लगभग दोनों जूते क्वालिटी वाइज बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप इनका सोल देखिए, सोल भी फाइलोन सोल पे दिया गया है, और जो एयर कैप्सूल उस वाले जूते में भी लगा है, और इस वाले जूते में भी एयर कैप्सूल प्रो का यूज किया गया है, और जो इसमें इंसोल दिया गया है सेम वही मेमोरी फोम वाला इंसोल दिया गया है, बाकी अपर की जो डिजाइनिंग पार्ट है वो डिफरेंट है। चलिए इसका वेट करके देखते हैं कितना वेट है जूते का, 330 ग्राम, तो वेट के मामले में भी 330 ग्राम आया, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही निकला, क्वालिटी सेम है तो वेट भी सेम होगा ही होगा।